पांच अध्याय चार से सात पद लिखा हुआ है, उसके बच्चे सुरक्षा से दूर हैं और वे फाटक में पीसे जाते हैं और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए। उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं, वरन कटीली बाड़ में से भी निकाल लेते हैं, और प्यासा उनके धन के लिए फंदा लगाता है। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट भूमि से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। ध्यान दीजिए, हमें उसके इस अंतिम कथन को परख कर उसकी सच्चाई नहीं देखना है। मनुष्य तो कष्ट उठाने के लिए ही जन्मा है। मेरे विचार में तो यह विवाद का विषय भी नहीं है कि मानव जाति पर बुराइयां, विपदाएं, दुख, तनाव, चिंताएं और नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं। आपको केवल समाचार पत्र उठाकर पढ़ना है और आप वहां देखेंगे कि कहीं आग लग गई, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कहीं कोई त्रासदी हुई, कहीं युद्ध छिड़ गया और कहीं युद्ध की शंका उभर रही है। एक गीत है, मेरे कष्ट कोई नहीं जानेगा, परंतु सच तो यह है कि जब आप जानते हैं और सब कुछ जानते हैं, क्योंकि सब कष्ट उठाते हैं, हम सब का एक ही रंग नहीं है, हम सब एक ही लिंग, एक ही आकार के नहीं हैं, या एक रक्त वर्ग या बौद्धिक स्तर के नहीं हैं, परंतु दुख और कष्ट सबके साथ ही है। कष्टों से मुक्ति प्रतिरक्षा या टीकाकरण नहीं है। आंसू संपूर्ण विश्व में है। सहानुभूति शब्द का वास्तविक अर्थ है एक साथ कष्ट भोगना। यही मनुष्य की सहानुभूति कष्ट वहन है। इब्रानी भाषा में आदम का एक पर्यायवाची शब्द है इनाश अर्थात कष्टिन। यही मनुष्य है। कहा जाता है कि मृत्यु और करों के अतिरिक्त कुछ भी निश्चित नहीं है। हम इसमें एक और निश्चितता को जोड़ सकते हैं, कष्ट। जैसे चिंगारियां ऊपर की ओर उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। चिंगारियों का ऊपर उड़ना संयोग नहीं, वैज्ञानिक तथ्य है। प्रकृति का एक नियम है, गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। कष्ट, दुख और पाप मनुष्य द्वारा परमेश्वर की अवज्ञा का परिणाम है। यशाया के पुस्तक 48 अध्याय उसके 22 पद में परमेश्वर कहता है कि दुष्ट को शांति नहीं। मनुष्य पाप का आदर्श प्रदेश तैयार कर रहा है, परंतु वह किसी काम का ना होगा। हम शांति के राजकुमार के बिना सहस्र वर्षीय राज्य नहीं देख पाएंगे। मनुष्य आज संसार में शांति के राजकुमार के बिना शांति स्थापित करने के प्रयास में है। इसी कारण मनुष्य पर कष्ट आते हैं और धर्मी जन पीड़ित होता है। परमेश्वर की संतान आज कष्टों में दबी हुई है। कभी कभी परमेश्वर की संतान मूर्खता के कारण कष्ट की भागी बन जाती है। मुझे एक बार किसी स्त्री ने कहा, मेरा पति मेरा क्रूस है। वह चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसका क्रूस नहीं हो सकता। उसी ने उसे स्वीकार किया है। यह उसकी मूर्खता थी। क्रूस वह है जिसे आप सहर्ष उठाते हैं। कभी कभी कष्ट पुत्र के लिए पिता का दंड है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को ना जांचें तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। जी हाँ, कष्ट पिता का अनुशासन भी होता है। इब्रानियों के पत्र 12 अध्याय के 6 पद में लिखा है, प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे निज पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। मूसा फिरौन के राजमहल में ठाट बाट का जीवन जी रहा था, परंतु उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझा या लगा। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय के 25 पद में हम इसे देखते हैं। मूसा के लिए यह अनुशासन का प्रशिक्षण था। यदि उसने मिदान के जंगल में 40 वर्ष प्रशिक्षण ना पाया होता तो परमेश्वर उसे अपनी प्रजा का मुक्तिदाता नियुक्त नहीं कर पाता। तर्शीस का घमंडी युवा फरीसी शाऊल ने प्रभु को ग्रहण किया और परमेश्वर ने उसके बारे में कहा, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 16 पद में, मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा।
परमेश्वर ने उसे वास्तव में कठिन समय दिया। कष्ट पिता का अनुशासन प्रशिक्षण है। मेरे प्रियो, कभी कभी कष्ट हमें परमेश्वर पर निर्भरता और धीरज सिखाते हैं। व्यवहारिक बात करने वाला याकूब कहता है, एक अध्याय उसके 3 पद में, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने पर धीरज उत्पन्न होता है। जी हाँ, परमेश्वर कष्टों द्वारा हमें कोमल बनाता है। अय्यूब को अंत में यही बोध हुआ था, 23:10 में, वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। उसने जान लिया था कि परमेश्वर उसे कोमल बनाने के लिए रगड़ रहा है। परमेश्वर हमारे मन मस्तिष्क को अपने में सीमित करने के लिए भी हम पर कष्ट आने देता है। मेरे विचार में आज अधिकांश विश्वासियों की यही व्याख्या है, परमेश्वर की संतान पर कष्ट आने के कारण अच्छे हैं। मेरे मित्रों, एलीपज सही कहता है, जैसे चिंगारियां ऊपर की ओर उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। एलीपज का विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, वह अय्यूब को कर्मों का दोषी ही ठहरा रहा है। हम देखते हैं अय्यूब 5:8-16 में, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। वह धूर्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है और उनके हाथों से कुछ भी नहीं पड़ता। वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता ही में फंसाता है और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। उन पर दिन को अंधेरा छा जाता और दिन दोपहरी में वे रात के समान टटोलते फिरते हैं। परंतु वह दरिद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। इसलिए कंगालों को आशा होती है और कुटिल मनुष्यों का मुंह बंद हो जाता है। मेरे मित्रों, वह यहाँ बड़ी ही अच्छी बात कहता है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर न्याय से खरा है। यह सब सच है, परंतु अय्यूब की समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच रहा है। एलीपज वास्तव में अय्यूब से बातें नहीं कर रहा है। आगे देखिए अय्यूब 5:17 में, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। मैंने इस पद को अनेकों बार संदर्भ सहित सुना है, क्या यह सच नहीं है? निश्चय ही यह सच है, परंतु एलीपज इसे अय्यूब के विरुद्ध काम में ले रहा था। आवश्यक नहीं कि कष्ट सदा ही परमेश्वर का दंड स्वरूप हो, जैसा हम देख चुके हैं। कभी कभी इस पद का दुरुपयोग किया जाता है अपने मित्रों का कलेजा छेदने के लिए, अपने भाई से यह कहने का कि परमेश्वर तुम्हें कुकर्मों का दंड दे रहा है। यह पद एक अति सुंदर विधि है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप न्याय करने वाले कौन हो सकते हैं? क्या आपके पास परमेश्वर का टेलीफोन नंबर है? क्या प्रभु ने आप पर कोई भेद प्रकट किया है? कुछ लोग न्यायसन का सा निर्णय देते हैं, वे पोप तो नहीं है या अधिकारी या जज तो नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे जो कहते हैं वही अंतिम वचन है। मेरे मित्रों सुने, आप किसी की समस्या का निर्णय नहीं दे सकते और न ही कोई आपकी समस्याओं का निर्णय दे सकता है। यद्यपि एलीपज की बात सही है, वह अय्यूब के संदर्भ में भी उचित नहीं है। आइए आगे पढ़ें, अय्यूब 5:18 में लिखा हुआ है, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। यह परमेश्वर के कैसे अनुपम चित्रण है। अय्यूब 5:19 में लिखा है, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। आप नीति वचन 16:16 में देखेंगे 7 का उपयोग फिर से दिया गया है। वरन सच तो यह है कि बाइबल में यह अंक बार बार आता है। यह काव्य अभिव्यक्ति नहीं,
यह सिद्धता नहीं परिपूर्णता का अंक है। उदाहरण स्वरूप सातवां दिन अर्थात सप्ताह का अंत परिपूर्णता यहाँ सात मनुष्य के कष्टों की परिपूर्णता को दर्शाता है। अय्यूब 5 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा हुआ है, अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। मेरे प्रियो यहाँ पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर इन सात विपदाओं से बचाएगा। आइए देखें, पहला है अकाल में वह मृत्यु से बचाएगा, दूसरा युद्ध में तलवार की शक्ति से बचाएगा, तीसरा जीभ की जलन से, जीभ द्वारा घात किए गए लोग युद्ध में मारे जाने वाले से संभवतः अधिक हैं। वियतनाम के युद्ध में मारे जाने वालों की संख्या प्रतिदिन समाचार पत्रों में दी जाती थी। मैं सोचता हूं कि आज पीठ पीछे बुराई से मारे जाने वालों की संख्या कितनी होगी। हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें इस बुराई से बचा ले। मेरी कलीसिया में कभी एक बुरी जीव वाली स्त्री थी। मुझे अब भी स्मरण है कि मैं प्रार्थना करता था, हे प्रभु मुझे इस स्त्री की बातों से बचाना। अब हम देखते हैं चौथी बात, परमेश्वर विनाश आने पर हमें बचाएगा, आंधी तूफान भूकंप आदि। मुझे याद है कि बचपन में परमेश्वर ने हमें आंधी तूफान से बचाया था, परंतु वह चाहता था कि हम शरण स्थान में रहें। आगे हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बनैले जंतुओं से डर न लगेगा। पांचवी बात हम देखते हैं, वह सूखे से रक्षा करता है। कृपया सोचें कि सुसमाचार जहां जहां गया है, चाहे वह वहां व्यापक रूप से स्वीकार किया गया हो या न किया गया हो, वहां क्या आपने संसार का समृद्ध प्रदेश देखा है? ये वे देश हैं जहां कमी नहीं है। मेरे विचार में हम गरीब देशों को भोजन भेजते हैं तो उनके साथ इनाम होना चाहिए। परमेश्वर का वचन जैसे अन्य खाने की वस्तुओं में इनाम निकलते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ने से आशीष प्राप्त होती है। छठवीं बात है वन पशुओं से सुरक्षा। आइए हम आगे पढ़ें, अय्यूब 5 अध्याय उसके 23 से 26 पद में लिखा हुआ है, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। मेरे प्रियो, यहां पर हम सातवीं बात देखते हैं, अंतिम कष्ट है मृत्यु। एलीपज मृत्यु को भयानक दैत्य नहीं कहता है, वह उसे स्वागत करता है, मृत्यु की बराबरी है। अय्यूब 5 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, देख हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान से रख। एलीपज का पहला वाद समाप्त होता है और इससे अय्यूब को कोई भी लाभ नहीं पहुंचता है। सच तो यह है कि अय्यूब विस्मित एवं चौकन्ना हो गया और दया की पुकार की। वह दया और सहायता की पुकार करता है क्योंकि एलीपज उसके लिए सहायक सिद्ध नहीं हुआ था। मेरे प्रियो, यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ेंगे और अध्याय 6 में देखेंगे अय्यूब का प्रतिवाद। अय्यूब की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फिर अय्यूब ने कहा, भला होता कि मेरा खेद तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखी जाती। अय्यूब एक करुण याचना करता है, मैं तो अपने दुखों का वर्णन भी नहीं कर सकता, वे कैसे विकट हैं, मैं इस भयानक दुर्घटना का वर्णन भी नहीं कर सकता। एलीपज से उसे कोई भी सहायता नहीं मिली थी, उसने तो बस यही कहा, तुझ में कोई गुप्त पाप अवश्य है और तुझे परमेश्वर के साथ अपने संबंध सही करने होंगे। ऐसी बात करना सदा अच्छा नहीं होता है। अय्यूब कहता है, तुझे मेरे प्रश्न को समझना चाहिए। एलीपज मुख्य बात समझ नहीं पाया था,
उसने जो कहा वह अच्छी बातें थी, सच्ची बातें थी, परंतु वह अय्यूब की सहायता करने में सफल नहीं हुआ। यह तो वैसा ही हुआ कि आप समस्या को समझे बिना ही कहें मसीह में ही उत्तर है। मेरे प्रियो, अय्यूब को एलीपज के ज्ञान से अधिक कुछ चाहिए था। वह एक घायल प्राणी की नाई रो रहा था, उसे सहायता की जरूरत थी। अय्यूब 6 अध्याय उसके 3 से 5 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती, इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं और उनका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है। परमेश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पांती बांधे है। जब बनेले गधे को घास मिलती है तब क्या वह रेंकता है, और बैल चारा पाकर क्या डकारता है? मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब कहता है, मैं रो रहा हूँ और तुम मेरा दुख देखकर भी दया नहीं दर्शाते हो। तुम्हारी बातें तो ऐसी है जैसे मुझे कोई कष्ट नहीं है। यदि मुझ पर कष्ट ना आ पड़ते तो मैं रोता नहीं। वह कहता है कि मैदान में लंबे कान का गधा, जिसके पास खाने को बहुत है और वह घास खा रहा है, तो वह खाने के लिए नहीं रेंकता है। इसी प्रकार यदि अय्यूब को कष्ट ना हो तो वह क्यों अर्थनाद करेगा? वह कहता है कि उसे बहुत पीड़ा हो रही है। अय्यूब की पुस्तक 6 अध्याय उसके 6 और 7 पद में आगे लिखा है, जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे की सफेदी में भी कुछ स्वाद होता है? जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी है। यहाँ पर घिनौना आहार अर्थात घृणित भोजन है। आगे हम पढ़ते हैं अय्यूब 6 अध्याय उसके 8 और 9 पद में, भला होता कि मुझे मुँह मांगा वर मिलता और जिस बात की मैं आशा करता हूँ वह परमेश्वर मुझे दे देता, कि परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। मेरे प्रियो, वह दुखों की तह में जा चुका है, उसे कहीं से भी सहायता नहीं मिली। वह परमेश्वर के न्याय पर संदेह करता है, वह बहुत दुखी है। उसकी मनोकामना है कि परमेश्वर उसे मृत्यु दे दे, उसे काट डाले, वह मरना चाहता है। तब हम आगे देखते हैं अय्यूब 6 उसके 11 पद में, मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं, मेरा अंत ही क्या होगा कि मैं धीरज धरूं। यहाँ पर वह कहता है जीने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तब अय्यूब 6 के 12 में लिखा हुआ है, क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों की सी है? क्या मेरा शरीर पीतल का है? ध्यान दें, मुझ में बल ही नहीं बचा, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। अय्यूब 6:13 में लिखा हुआ है, क्या मैं निराधार नहीं हूँ? क्या काम करने की शक्ति मुझसे दूर नहीं हो गई? यहाँ पर उसका अर्थनाद सुने। अय्यूब की पुस्तक 6 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। मेरे मित्र ने मुझ पर दया दिखाई होती, सहानुभूति दिखाई होती, परंतु नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। यह अय्यूब का कहना है। आगे हम पढ़ते हैं अय्यूब 6 अध्याय के 15 पद में, मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं, वरन उन नालों के समान जिनकी धार सूख जाती है। मेरे प्रियो, इब्रानी भाषा में वे मरीचिका के पर्यायवाची शब्द हैं। यह काव्य भाषा अति सुंदर है। उसने अपने मित्रों को आते देख सोचा, परमेश्वर महान है कि मेरे मित्रों को भेजा है, वे मुझे समझ पाएंगे और सहानुभूति प्रकट करेंगे। जो मरुधान की नाई होगी, परंतु वे तो मरीचिका सिद्ध हुए। अय्यूब 6 उसके 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं, और वे बर्फ के कारण काले हो जाते हैं और उनमें हिम छिपा रहता है, परंतु जब गर्मी होने लगती है तब उनकी धाराएं लोप हो जाती हैं, और जब कड़ी धूप पड़ती है तब वे अपनी जगह से उड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, वे हिम से ढांके तालाब की नाई हैं, वह छलावा है। आप सोचते होंगे कि आप उस पर चल सकते हैं, परंतु पांव रखते ही आप उसमें गिर जाते हैं। उसके मित्र ऐसे ही निकले। अय्यूब कैसा चित्रण प्रदान करता है,
मुझे निश्चय तो नहीं, परंतु अय्यूब की पुकार आज के मानव संकट की पुकार है। आज मनुष्य अपनी संपूर्ण सुख सुविधा में कैसा अकेला, अशांत, अप्रसन्न है। वह इनाश अभागा मनुष्य है। उसे सुख सुविधा से बढ़कर परमेश्वर की आवश्यकता है। अब अय्यूब उनसे कहेगा, यदि तुम्हारे पास कहने का विषय है तो कहो, मैं सीखूंगा।